देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर के बारे में। IDFC फर्स्ट बैंक में आप देखेंगे आज 52.55 की क्लोजिंग दी है, 2 रुपये इंट्राडे में ये बड़ा है। 3.96% आपको शेयर में देखिए तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या होंगे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स, कहाँ पे इसका बड़ा रेजिस्टेंस होगा और क्या होंगे इसके नेक्स्ट टारगेट्स। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों देखिए, अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक में आप देखेंगे आज क्या हुआ। आज देखिए शेयर एक जगह पे कंसोलिडेशन दिखा रहा था, वो था 51.75 से अगर 52 तक का लेवल, और 52 तक के लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला। जब शेयर 52 गया उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा नीचे गिरा 51.50 के आसपास, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, देन फिर वापस बढ़ा, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर वापस बढ़ा, बट फिर वापस से देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे 51.50 के आसपास आ गया। बट उसके बाद जो शेयर ने वापस से आखिरी के कुछ मिनटों में ब्रेकआउट दिया है, आखिरी के एक घंटे में कह सकते हैं ये ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट्स बहुत अभी आप कह सकते हैं एक जोन में है जहाँ पे सबको देखिए डर है। बट अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक ने जिस तरीके से तेज़ी दिखाई है वो एक ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया तेज़ी है, बिकॉज शेयर अपने हर रेजिस्टेंस के ऊपर टिका है और उधर सस्टेन हुआ है और उसके बाद तेज़ी दी है। 52-53 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर इस पर पहले भी आ चुका है बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देखेंगे इन लेवल्स पर पहले शेयर आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद देखेंगे शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली थी, जो गिरावट करीबन आपको 44 तक लेके गई। बट उसके बाद जिस तरीके से वापस से जो वी शेप रिकवरी दिखाई है शेयर ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, बिल्कुल वी शेप रिकवरी दिखाई है, देखिए यहाँ से वी शेप रिकवरी दिखाई है, तो वो जो वी शेप रिकवरी दिखाई है वापस से वही लेवल्स पे देखिए शेयर आ चुका है। और अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये होगा कि कल अगर 53 के ऊपर ये निकल जाता है, 53 के ऊपर थोड़ी देर भी अगर ये 15-20 मिनट भी सस्टेन कर जाता है और अगर मार्केट हमारे देखिए फेवर में रहते हैं कल, तो डेफिनेटली आपको IDFC फर्स्ट बैंक में कल एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और शेयर में इमीडिएट टारगेट होंगे कल 55 रुपये तक के। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा क्योंकि शेयर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, उसके ऊपर तो टिकेगा और फिर देखिए चलेगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ से कल शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अगर कल निफ्टी बैंक चलता है तो डेफिनेटली आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर काफ़ी बढ़िया रुझान मिलता हुआ देखने को मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब अगर आप देखेंगे पिछले करीबन ये इस साल का अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो इस साल में आप देखेंगे कि शेयर ने क्या किया, इस साल में शेयर ने देखिए करीबन आपको 26% रिटर्न्स कमा के दिए। लेकिन जो स्टोरी है वो हुई थी दोस्तों स्टार्ट आपको ये गिरावट के बाद, ये जो गिरावट आई थी बहुत बड़ी, उसके बाद जो शेयर ने वापस से रिकवरी दिखाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ के लेवल से देखूँ तो करीबन यहाँ से शेयर अब आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है 149%, तो डेफिनेटली देखिए शेयर बहुत बढ़िया किया है और अपने लोस से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। और यहाँ से देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर आप बने रही, क्योंकि देखिए बहुत ही बढ़िया बैंक है, काफी बढ़िया काम कर रहा है और मुझे लगता है आगे भी ऐसा ही करेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना बाइंग सेलिंग किस प्रकार हो रही है, क्या शेयर में आपको आखिरी में कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है कि लोगों ने जो गिरावट आई है उसका वापस से फ़ायदा उठाया और बाइंग करिए। तो अगर आप देखते हैं तो आखिरी मिनटों में शेयर में अभी न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है। 8 सेल 8 बाय, ऑसिलेटर्स कितने दे रहे हैं, 2 सेल 0 बाय, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, 2 सेल 0 बाय, एंड मूविंग एवरेजेस बाय दिखा रहे हैं विद 6 सेल 8 बाय। तो ओवरऑल आप देखते हैं तो क्या यहाँ पे दिखता है कि शेयर में अभी भी आपको बाइंग सेलिंग बिल्कुल इक्वल प्रकार की देखने को मिल रही है, ना ज़्यादा बाइंग है ना ज़्यादा सेलिंग है, बिल्कुल इक्वल है, तो इसमें कोई जैसे घबराने की बात दिखती नहीं है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते तो रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों जानना, तो आप देखेंगे 51 तोड़ दिया सस्टेन, 51.88 ये भी तोड़ दिया एंड सस्टेन, तो कल के लिए 53.38। अब कल के लिए आप कल का जो आज का हाई होगा, जो आज का ही होगा वो होगा यहाँ का फर्स्ट रेजिस्टेंस, यानी 53 रुपीज़ का होगा कल फर्स्ट रेजिस्टेंस शेयर का। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसा मैंने आपको कहा कि 10 से 15 मिनट भी ये टिक जाता है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड देन शेयर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा इमीडिएट टू इमीडिएट 55 के लेवल्स, 55 देन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है। देखिए 55 एक रेजिस्टेंस आपको बहुत बड़ा देखने को मिलने वाला है, या तो देखिए यहाँ से ये कल तोड़ देगा या फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा कि मार्केट किस तरह कल बिहेव करता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए आपका US का मार्केट आज का मुझे लगता है बहुत वॉलेटाइल देखने को मिलने वाला है, बट यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी चल रहा है। अगर आप SGX ट्रैक करते हुए
या फिर फ्यूचर्स चेक करते हो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। और आज जो आखिरी के एक घंटे में वापस से बाजार ने एक तेज़ी दिखाई है, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगती है। और यहाँ से मुझे लगता है कि वापस से आपको इंडेक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में इतना था, कल के लिए आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। CMP पे बाय करना है आपको, टारगेट रखना है कल के लिए। यहाँ से मुझे लगता है जो अचीवेबल होगा वो होगा करीबन कल के लिए 55 तक का। और जो आपको SL मेंटेन करना है, जो SL मेंटेन करना है दोस्तों, वो फिक्स होगा यहाँ पे 52 का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर भी जो करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।